मेरा सौभाग्य है कि मैं दोबारा क्रिकेट को कुछ दे पाऊं, और कोशिश यही है कि वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लीग के जरिए हम छोटे छोटे कस्बों में, गांव में से टैलेंट को ढूंढ के लाएं और उनको एक ऐसा मंच दें जहां पे आके वो अपने टैलेंट को पूरे भारत को दिखा सकें। और उम्मीद यही है कि हमें बहुत सारा टैलेंट जो है वो देखने मिलेगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है ये ग्रास रूट को एक जागरूक करने की के लिए ये स्पोर्ट्स है। इसके लिए बड़े मैदान नहीं चाहिए, वहाँ पे उनके गांव में ही सेटअप करके वहाँ ट्रायल्स वगैरह करा के उनको चुना जाएगा और उनको बड़े मंच पे ला के क्रिकेट खिलाया जाएगा। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं इस चैम्पियनशिप के ज़रिए उन बच्चों को कुछ एक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकूँ। यहाँ पर सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पर आप इस लीग की बात करें, वहाँ भी सब सबके जमा पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर है, और आपसे बेहतर कौन बता सकता है जिन्होंने वहाँ पर विकेट ली है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी में धूल चढ़ाई है। उस हिसाब से देखा जाए अभी जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, आप काफ़ी प्राउड होंगे, और जैसे अगले टेस्ट जा रहा है हम ही फेवरेट्स की तरह जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पहला मैच वहाँ पर जीतना वो भी पर्थ में बहुत बड़ी बात थी, और मुझे उम्मीद है कि सेकंड टेस्ट भी उसी तरीके से टीम इंडिया खेलेगी और 2-0 की बढ़त लेके आगे बढ़ेगी। और इट्स नॉट इजी टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, बट लास्ट टू टूर्स टीम इंडिया हैव शोन देयर मेटल एंड देयर वन बोथ टूर्स, एंड होपिंग कि ये साल भी जीत के आएँ और हैट्रिक लगे जीत की। बिल्कुल नहीं जाएंगे पाकिस्तान कोई भी टूर्नामेंट हो, भारत उस पर, लेकिन पाकिस्तान भी मान लेगा, तो इस पे देखिए मैंने पहले भी ये बात कही थी कि टीम इंडिया मुझे नहीं लगता है कि ट्रैवल करेगी, क्योंकि हालात वहाँ पे कुछ ऐसे अनुकूल तो नहीं है कि वहाँ पे जाके क्रिकेट खेली जा सके। हालांकि वहाँ के लोग जो हैं क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, वहाँ भी बहुत इंडियन टीम के फैंस हैं, बट आई थिंक हालातों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया जो है वो ट्रैवल करेगी, और जहाँ सरकारें इन्वॉल्व हैं वो डिसीजन ले रही हैं, तो हम तो बहुत छोटे से लोग हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दोबारा क्रिकेट को कुछ दे पाऊँ, और कोशिश यही है कि वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लीग के ज़रिए हम छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में से टैलेंट को ढूंढ के लाएँ और उनको एक ऐसा मंच दें जहाँ पर आके वो अपने टैलेंट को पूरे भारत को दिखा सकें। और उम्मीद यही है कि हमें बहुत सारा टैलेंट जो है वो देखने मिलेगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है ये ग्रास रूट को एक जागरूक करने की के लिए ये स्पोर्ट्स है। इसके लिए बड़े मैदान नहीं चाहिए, वहाँ पे उनके गांव में ही सेटअप करके वहाँ ट्रायल्स वगैरह करा के उनको चुना जाएगा और उनको बड़े मंच पे ला के क्रिकेट खिलाया जाएगा। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं इस चैम्पियनशिप के ज़रिए उन बच्चों को कुछ एक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकूँ। तो यहाँ पर सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पर आप इस लीग की बात करें, वहाँ भी सबके जमा पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर है, और आपसे बेहतर कौन बता सकता है जिन्होंने वहाँ पर विकेट ली है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी में धूल चढ़ाई है। उस हिसाब से देखा जाए अभी जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, आप काफ़ी प्राउड होंगे, और जैसे अगले टेस्ट जा रहा है हम ही फेवरेट्स की तरह जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पहला मैच वहाँ पर जीतना वो भी पर्थ में बहुत बड़ी बात थी, और मुझे उम्मीद है कि सेकंड टेस्ट भी उसी तरीके से टीम इंडिया खेलेगी और 2-0 की बढ़त लेके आगे बढ़ेगी। और इट्स नॉट इजी टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, बट लास्ट टू टूर्स टीम इंडिया हैव शोन देयर मेटल एंड देयर वन बोथ टूर्स, एंड होपिंग कि ये साल भी जीत के आएँ और हैट्रिक लगे जीत की। बिल्कुल नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने चाहिए कोई भी टूर्नामेंट हो, भारत उस पर अड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान भी मान लेगा, तो इस पे देखिए मैंने पहले भी ये बात कही थी कि टीम इंडिया मुझे नहीं लगता है कि ट्रैवल करेगी, क्योंकि हालात वहाँ पे कुछ ऐसे अनुकूल तो नहीं है कि वहाँ पे जाके क्रिकेट खेली जा सके। हालांकि वहाँ के लोग जो हैं क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, वहाँ भी बहुत इंडियन टीम के फैंस हैं, बट आई थिंक हालातों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया जो है वो ट्रैवल करेगी, और जहाँ सरकारें इन्वॉल्व हैं वो डिसीजन ले रही हैं, तो हम तो बहुत छोटे से लोग हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।